नारियल से पानी जांच कैसे करना है आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। ये नारियल है, कच्चा नारियल है, पानी अच्छा है। और एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, जिस नारियल में पानी ज़्यादा होता है वो बचता कम है, वजन बताता है वो, इसमें पानी फुल है तो आपको ऐसी नारियल लेना है। और जितना बड़ा से बड़े हो सके उतना ही नारियल लेना है। छोटा नारियल में क्या होता है, वो थोड़ा भी पानी रहेगा तो उड़ जाता है, और बड़ा नारियल वहीं पर उठेगा जहाँ पर 3 HP या 5 HP की पानी रहेगा। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये बड़ा नारियल है, इसको आपने हाथ को इस तरह से रखना है ये, उसके बाद ऐसे रख देना है, और जहाँ पर पानी रहेगा वहाँ पर ऑटोमेटिक खड़ा हो जाएगा, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं हो। और अपनी तरफ से कोई गतिविधि इसमें नहीं करना है। तो चले आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, इस तरह यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। जैसे बढ़ते जाएंगे यहाँ पर भी कोई मूवमेंट नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, देखिए कोई मूवमेंट नहीं है। हम उस पॉइंट पर आ चुके हैं अभी जहाँ पर हमारा बोर खनन हुआ था पहले 15 साल पहले। यहाँ पर देखते हैं, देखो हालांकि यहाँ 3 HP की पानी चलती है लेकिन यहाँ कोई मूवमेंट नहीं है। इसका कारण ये है, करीब के 400 फीट गहरा करवाया गया था लेकिन ब्लास्ट में आया पानी, तो ब्लास्ट में पानी आया है तो क्या हुआ है, हम पानी खींचते हैं तो वहाँ के भर जाता है, और जैसा पानी बंद करते हैं तो वहाँ की गतिविधि बराबर हो जाती है। तो यहाँ कोई मूवमेंट नहीं दिखा रहा है। जैसा हम पानी के पास जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं है, जैसा हम पानी के पास जाएंगे वहाँ पर उठना शुरू हो जाएगा। देखिए नारियल में हलचल शुरू हो चुकी है, देखिए हलचल शुरू हो चुकी है, ये हल्का हल्का आभास होना शुरू हो गया है। और हाथ को आपको ऐसे जैसा रखे थे वैसे ही रखना है। ये देखिए ये मूवमेंट शुरू हो गया, ये खड़ा हो गया, तो पानी यहाँ पर है, पानी यहाँ पर है, इस बात को आपको देखना है। मैं यहाँ पर एक चूना लगा रहा हूँ, देखना 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 देखना, आप देखते यहाँ पर कुछ नहीं, नॉर्मल हो गई है। फिर मैं जैसे आगे बढ़ूँगा ये उठना शुरू हो जाएगा, देखिए ये शुरू हो गया है। और जी अब मैं निशान के तौर पर ये लकड़ी रख के गया था, देखिए पैर पीछे हटा रहा हूँ तो गतिविधि चेंज हो जा रही है, पैर आगे बढ़ाया स्टार्ट हो गई। तो आपको हम यहाँ बताने के लिए चूना लगा देते हैं, पहले ये धार है, अब इस ये यहाँ पर हमको पॉइंट मिला है धार की, लेकिन इसकी दिशा कौन सी है हम ये पहले परफेक्ट करेंगे। तो चलिए हम आपको दिखा रहे हैं, इस दिशा में पानी नहीं है, धार यहाँ पर है ज़रूर, लेकिन इधर हटते हैं तो देखिए यहाँ कोई मूवमेंट नहीं है यहाँ पर। तो इसकी मूवमेंट कहाँ पर है, यहाँ पर है, मतलब धार जो है हमारी ये वाली पोजीशन में है। तो पहले हम इसको ऐसी मार्का कर देते हैं, हमारी धार इधर है, और इधर भी हम आपको चेक करके भी दिखा रहे हैं, देखो यहाँ पर है मूवमेंट, यहाँ पर है ये, और यहाँ पर आते हैं तो मूवमेंट डाउन, यहाँ पर पकड़ लेती है ये, तो हमारी जो बोर है यहाँ पर है, 1 फीट का डिफरेंस है, इसलिए पानी नहीं दिखा रहा है। तो चलिए हम यहाँ पर आते हैं, कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन ये जो किनारे हिस्सा है इस हिस्से में मूवमेंट शुरू हो जाती है। तो देखिए हमारी करीब करीब 1 हाथ की फासला है, इसीलिए पानी यहाँ पर नहीं बताता। हम बोर में खड़े जरूर हैं, देख लीजिए यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं नज़र आएगा। हम जैसे ही 1 हाथ आगे जाते हैं ऑटोमेटिक ये मूवमेंट शुरू हो जाती है, देख लीजिए। और हम धार में चलते चलेंगे और स्टैंड रह गई, जहाँ पर धार से हम हटेंगे ये नारियल गिर जाएगा। अभी हम धार में हैं, यहाँ तक पूरे धार में हैं, जैसे हटना शुरू होते हैं देखिए ये ऑटोमेटिक, जैसे आगे बढ़ेंगे फिर स्टार्ट हो गया, पीछे हटेंगे डाउन, आगे बढ़ेंगे जैसे पानी की धार में जाएंगे पूरा खड़ा हो जाएगा। देखिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अब ये तो पानी हमें मिल गया, हमें पता चल गया हमारे पिछले वाले बोर में क्या सिचुएशन थी। इसी बात को आपको परफेक्ट करने के लिए जब आप बोर खनन करवाते हैं कोई भी जांच करने वाले बता देगा यहाँ पर पानी है, लेकिन आपको उनकी बातों पे एक-एक बिलीव नहीं करना है, आपको देखना है खुद। आपके घर में कई सदस्य रहते हैं, किसी ना किसी के हाथ में इस नारियल को पकड़ा देना है, या सभी को देख लेना प्रयोग करके, किसी ना किसी के हाथ में इस तरह से नारियल खड़ा हो जाएगा, और जहाँ पर खड़े होगा मान कर चलिए वहीं पर पानी है। जैसे ये हम फिर धार में आ गए, फिर हट गए, पानी डाउन हो गया। तो इस तरह से आपको रिसर्च करना है। 15 साल पहले हमारे पापा ने किसी को जांच करने वाले को बुलाया, बता दिया यहाँ पर पानी है, पानी नहीं है, वो खड़ा यहाँ पर हुआ होगा सिचुएशन इस तरह से देखिए, और बता दिया यहाँ पर 1 हाथ का डिफरेंस आ गया। हमने करीब करीब 20 किलो ब्लास्ट लगाए,
तब पानी यहीं चलता है, बार बार मलमा आ जाता है, हम लागत में बैठ गए। ये बोर है ना, बोर भी देता है उबाल भी देता है, तो हम इसमें डूब गए थे। यही पानी बोर हम अगर हम यहाँ पर करवाते हैं तो यहाँ कम से कम 3 से लेकर 5 HP तक का मोटर चलेगा, इस बात का प्रमाण है। तो आप लोग इसको देखिए, अपने घर में प्रयोग करिए, आपके गली मोहल्ले में ना किसी न किसी व्यक्ति के हाथ से नारियल उठेगा, आप इस बात को यकीन करिए। और ये जहाँ उड़ गया मान कर चलिए वहाँ अच्छा पानी है, लेकिन अब रही बात ये पानी कितनी इंच है, कितनी इसकी मोटाई है, हम उसको भी नाप कर दिखाते हैं। चलिए मैं नीचे बैठ रहा हूँ, कैमरा मैन नीचे को दिखाएं। देखिए हम इस सिचुएशन में बैठते हैं, पहले इधर आ जाइए भाई, इधर इस सिचुएशन में बैठते हैं। ये नीचे देखना, चूना को दिखाना, यहाँ पर कुछ नहीं है, देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, चूने के लाइन को भी दिखाना। और यहाँ देखिए नारियल भी देखिए, यहाँ पर हाथ हम यहाँ रख रहे हैं, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, उंगली को देखते रहिए, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है। जैसे हम यहाँ पर आए नारियल खड़ा हो गया, देखिए मतलब इसकी मार का ये है, हम इस कोटी को रख देते हैं यहाँ पर, ये ठीक है यहाँ पर। अब हम दूसरे छोर में जाते हैं, कैमरा इधर आइए भाई, ये देखिए हम इधर आते हैं, इधर आइए, उधर उधर पीछे। अब हम इसको देखते हैं, यहाँ देखते हैं कुछ नहीं है, हमने उस साइड से देखा, निशान ये है हमारा, ये वाला गोटी है ना। अब हम इधर से देखते हैं, यहाँ पर कोई गतिविधि नहीं है, नारियल देखते रहिए, फिर आप इसको देखते रहिए, यहाँ पर कोई गतिविधि नहीं है, फिर देखिए मेरी उंगली को देखते रहिए, इसको कोई गतिविधि यहाँ तक नहीं है, लेकिन यहाँ पर गतिविधि शुरू हो गई। देखिए ये यहाँ पर गतिविधि शुरू हो गई है ये, और जैसा पानी के धार में जा गई है ये देखिए, फिर से और देख लीजिए इसको, ये देखिए। चलिए मैं आपको बैठ के दिखा रहा हूँ भाई, देखिए ये जो है ये वाली पॉइंट में बता रहा है। चलिए इधर भी रखते हैं इसको, यहाँ पर नहीं है, ये हम पकड़ लिए, ये मुर्मी का छोटा सा टुकड़ा है, पकड़ लिए, यहाँ पर ये बता रहा है, देखिए ये। तो हम इसके सेंटर पॉइंट में पहुँचते हैं, ये वाली जो हिस्सा है सेंटर पॉइंट में है। अब ये पानी की मोटाई कितनी है, चलिए हम आपको बताते हैं पानी की मोटाई कितनी है। देखिए ये तीन अंगूर मतलब मान के 2.5 से 3 इंच की मोटाई है पानी की, ये देखिए ये 3 इंच की मोटाई है। और जब हम कॉमन तौर पर 5 HP का मोटर लगाते हैं तो उसमें 2.5 इंची या 1.25 इंची पाइप लगता है, 2.25 इंची, और यहाँ पर 3 इंच पानी है, 2.5 से 3 इंच। तो मान कर चलिए इस बोर में अगर हम पॉइंट यहाँ पर लगाते हैं, जो सफ़ेद चूना दिख रहा है वहाँ पर लगाते हैं, तो मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ 3 HP से लेकर 5 HP तक का मोटर आसानी से चलेगा। मैं तो धोखा खा गया भाई, चार्ज करने वाले बता दिए उधर उधर है, चलो ठीक है लगा दिए। लेकिन अब मैं इसी चीज़ का जब रिसर्च करने लगा तो मुझे पता चला कि हमारी पॉइंट गलत जगह में है। तो आप लोग ऐसी गलती ना करें और खुद घर पर चेक करिए। उस समय हमारे पास ये सब ज्ञान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब हमने खुद रिसर्च किया तब पाया, और वही रिसर्च की बातें आप लोगों को मैं शेयर करने जा रहा हूँ। अब रही बात ये धार कहाँ तक चली है, चलिए मैं दिखा रहा हूँ। ये धार जो है ये पेड़ तक जाके ये पेड़ के बीचों बीच है ये धार, देखिए ये इधर जा रहा हूँ तो डाउन हो जा रहा है, पेड़ के से आता हूँ तो ये आ जाता है, ये पेड़ से होके गई है ये धार, इधर फिर डाउन हो गया। तो मैं इधर से घूम के जाता हूँ नीचे से, जैसे ही उधर जाऊँगा वो खड़े हो जाएगा अपनी जगह में, इस पोजीशन में देखिए ये पेड़ वाली पोजीशन में पानी है। अब ये पानी कहाँ पर है, देखिए ये पानी यहाँ पर है, देखिए ये खड़ा है मतलब ये पानी है, फिर ये डाउन हो गया कि पानी की दिशा धार किधर मुड़ी है, ये आगे आगे यहाँ से जो है सीधा नहीं गई है, ये जो धार है इधर ये सिचुएशन में है, यहाँ से थोड़े से चेंजेस पोजीशन में है, यहाँ पर है। तो इसको देखना है, पैर के मूवमेंट को भी देखना है, पैर जैसा जैसा जाएगा वैसे वैसे आगे, क्या है पानी की धार ज़्यादा है ना इसलिए फेंक दे रहा है, नारियल कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। ये देखिए ये पानी की धार है, ये पानी की धार है, क्या धार तेज है इसलिए ना ये फेंक दे रहा है ये। तो आपको इस बात को गंभीरता से लेना है। अब एक बार स्टैंड हो गए तो जहाँ तक धार है वहाँ तक जाएगा, जहाँ धार छोड़ेगा वहाँ गिर जाएगा। तो हम भी धार में हैं, ये जो गिरा है ये धार की स्पीड है, ये धार में ही है। तो आप चाहे 1 किलोमीटर हो या 2 किलोमीटर का हो,
आप धार पे चलते ही चलना है, इस तरह से आपको मूवमेंट पता चल जाएगा। देखिए वो वाला हिस्सा दिखाइए भाई, वो पेड़ वाला हिस्सा दिखाइए, वहाँ से यहाँ सीधी पानी सीधी आई हुई है और ऐसी निकल गई है। आपको इस बात को ध्यान में रखना है। देखिए ये, चलिए हम बोर तक भी फिर से चलते हैं, चलिए पीछे चलिए हम वहाँ तक फिर चलते हैं। यहाँ तक कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, हलचल थोड़ा सा है, हम चल रहे हैं इसके लिए, लेकिन जहाँ पर मूवमेंट फिर से हो जाएगा पानी का, ये चलना शुरू हो जाएगा। चलिए यहाँ कोई पानी नहीं है, पूरा नॉर्मल है सिचुएशन। जैसे ही पानी की धार में जाएंगे हम फिर खड़ा हो जाएगा। तो आप हमारी वीडियो को देखते रहे, हम लोग बिना कट किए हुए वीडियो दिखाते हैं। देखिए कोई मूवमेंट नहीं है, थोड़ी दूर है हमारा बोर्ड, थोड़ी दूर है, हम जैसे ही पहुँचेंगे ये शुरू हो जाएगा। देखिए कोई मूवमेंट नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, देख लीजिए कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रही है, कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रही है, किसी प्रकार की कोई मूवमेंट नज़र नहीं है। देखिए ये झाड़ है ज़रूर, लेकिन पानी की धार आगे है तो यहाँ कोई गतिविधि नहीं, इस साइड कोई इसकी गतिविधि नहीं है, क्योंकि गतिविधि बीचों बीच से होके गई है। तो देखिए ये पैर है, इसको अच्छी से तेज़ी से रखना है आपको। देखिए ये धार है, ये धार है, फिर ये पानी की धार है। तो आप लोगों को इसी तरह से पानी का चेक करते रहना है और अपने घर में प्रयोग करके भी देखना है, और किसी प्रकार की हेल्प की ज़रूरत पड़े तो आप बेझिझक मेरे पास फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, इसमें कॉलिंग और व्हाट्सएप दोनों की सुविधा है इसमें। तो मेरा मोबाइल नंबर है 7000716599। फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार।